और अब बात प्रदर्शन की करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार ममता सरकार के खिलाफ में आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है और सीधे सीधे सरकार पर लापरवाही और अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी मांग सिंपल है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भाडिक दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद पहले तो सीपी को हटाना चाहिए। इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी हरसेल्फ शुड रिमूव द सीपी एंड ही शुड बी सेंट टू कंपलसरी वेटिंग। दिस इज आवर फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड इज ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कल की जो घटना घटी, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में, हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, बीइंग द मेन पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वी विल प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प। प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हमारे साथ आइए, हम आपको, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना हो, बीजेपी के समर्थक हो ना हो, आपको लीगल सपोर्ट देंगे। आपका भी अधिकार है डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का, और वो हम मानते हैं और उसको लागू भी करते हैं। वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है ऐसा हमें लगता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार ममता सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। कोमल, आपके पीछे में तस्वीरों में देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग मौजूद है, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है, अभी भी कह रहे हैं मांग पूरी नहीं हुई। नंबर वन, न्याय मिलना चाहिए और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित हो। न्याय की मांग को लेकर के तो डॉक्टर्स यहाँ पे जंतर बंतर में एकजुट हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए सीपीए की मांग कर रहे हैं, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी आगे थोड़ा आपको लिए चलते हैं, आगे की आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरह से ये नुक्कड़ नाटक के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये आरजे कर्मी जो उस दिन हादसा हुआ था उसको दिखा रहे हैं कि देखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये अनूठा तरीका भी इन्होंने अपनाया है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए किस तरह से नुक्कड़ नाटक के जरिए ये दर्शा रहे हैं कि किस तरह से आरजे कर्मियों से घटना होती है, साथ ही साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां आप देख सकते हैं, सर्कल बना लिया इन्होंने और हाथों में इनके तख्तियां हैं। सुबह करीब 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और उसके बाद से लगातार इनकी एक ही मांग है कि जब तक सीपीए नहीं बनता है, यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता है, प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हां जी, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, सीपीए नहीं बनता, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, अलग अलग तरीका अपना रहे हैं प्रदर्शन को लेकर के। लेकिन इस बीच आपको थोड़ा आगे भी लिए चलते हैं, देखिए लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से लगातार सीपीए की मांग है, कहना है सीपीए जब तक नहीं बनेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक ये सीपीए, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी दो मेन मांगे है, एक हमें विक्टिम के लिए जस्टिस चाहिए और दूसरा हमें सीपीए चाहिए। जिस तरीके से दिन ब दिन हमारे खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ अगेंस्ट, मतलब देखिए सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। जी, महिलाओं की बात तो है ही, ऑब्वियसली ये सबसे पहले तो महिला सेफ्टी का इशू है ना। अगर आप वर्क, आपकी ड्यूटी के प्लेस पे आप सेफ नहीं है तो आप कहाँ सेफ है। सर, कलकत्ता से एक ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जितने डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, उनको वहाँ के बंगाल की पुलिस उठा करके लेके जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू गो पॉलिटिकल, उससे रिलेटेड आप RDSS स्टैंड ले सकते हैं, बट वी वॉन्ट जस्टिस। यस, एंड जो भी कोलकाता में हो रहा है वी आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दैट, जो अभी हो रहा है, और अगर अवेयर है भी तो वी आर नॉट इन अ स्टैंड। घटना को लेकर ही लगातार
सॉरी कोलकाता की घटना को लेकर के देखिए लगातार ये जो है मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए और इसके साथ ही सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बन जाना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम आज डे 10 ऑफ द स्ट्राइक हो गया, सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेवरेबल बोला है एंड वी आर वेरी थैंकफुल, लेकिन अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने उस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने साफ मना कर दिया था, जो भी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग ज़रूरी है क्योंकि स्टेट लॉज सारे स्टेट के लिए नहीं है एंड देयर आर मेनी लूप होल्स इन द स्टेट लॉज। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो सारे स्टेट में ना कोई उम्मीद। बिल्कुल कोमल, आप लगातार बात कर रही हैं इन महिलाओं से, ये डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर कोई जवाब चाहता है और इंसाफ चाहता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि किस तरीके से नवाब के तार और बुआ के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाएंगे खबर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कन्नौज रेप मामले से जुड़ी हुई है। आरोपी नवाब यादव के करीबियों को नोटिस जारी किया गया है। अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी यहां प्रशासन कर रहा है। नवाब सिंह यादव के रिश्तेदारों की मुश्किलें अब यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये आपको बता दें कन्नौज रेप कांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और नवाब सिंह के भाई की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में अब संभव यहां बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी यहां पर अब प्रशासन करने वाला है। और इसी के साथ में आपको बता दें उसके की भी गिरफ्तारी यहां संभव बताई जा रही है कि नवाब के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी मुश्किलें भी अब इस मामले में बढ़ती हुई दिखाई देंगी और आगे आने वाले समय में नवाब सिंह से जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का एक्शन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कन्नौज रेप मामले में पुलिस का एक्शन अब पूरी तरीके से तेज हो चुका है, पुलिस एक्टिव हो चुकी है और जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई निश्चित है। मेरी बात हुई थी इनसे नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए। वो महिला जो रेप के आरोपी नवाब सिंह को भाई भाई कहते नहीं थक रही थी, जो अपनी भतीजी के लिए लड़ने के बजाय उसी पर सवाल उठा रही थी, आज वही बुआ पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन आरोपी बुआ अपनी भतीजी के लिए लड़ती भी कैसे, क्योंकि आरोप है कि बुआ ने ही नाबालिग लड़की से हुई घिनौनी हरकत में नवाब सिंह की मदद की थी। तब समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी, शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी, वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी, उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की बुआ 7 दिन से फरार थी, बुआ कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे पकड़ने के लिए 6 टीमें लगी हुई थी। 7 दिन से लगातार चल रही छापेमारी के बाद पीड़िता की बुआ कन्नौज पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसकी वजह से नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि पीड़िता की बुआ ही रेप मामले की असली धुरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ पीड़िता की बुआ वहां मौजूद थी। यही नहीं, आरोप ये भी है कि पीड़िता की बुआ ने घिनौनी घटना में नवाब सिंह की मदद की, खुद को घिरता देख पीड़िता की बुआ गायब हो गई। ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, ये आ रही थी गांव, तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है, जा रही है तो बहन के ऊपर तो हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है, तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ, और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। इससे पहले कन्नौज दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी है। यही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। पहले अयोध्या और अब कन्नौज, दोनों ही जगह आरोपियों का सपा कनेक्शन है, तो सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी भी है। सवाल अखिलेश यादव की चुप्पी पर है। एक तरफ कन्नौज केस में परत खुलती जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव इतने संवेदनहीन है कि अपने दफ्तर में डांस करवा रहे हैं।
हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उनके इलाके में घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आरोप उनके बेहद करीबी शख्स पर है, लेकिन अखिलेश यादव के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। दरअसल 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाए और दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की के फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने नवाब को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 14 दिन के लिए जेल भेजा। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।